निश्चित भार है, बहुत वोट का निर्णय आया है और सभी लोग बाइकर परिचय कुमार त्रिपाठी सभी को परिचय कर दिया। एक बार पूरा ही बोल दीजिए जी, सभी अभ्यूज को न्यायालय ने आज दहशत भरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी, तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पर उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी, तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया है। आज अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और इविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। फोटोग्राफ के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्श के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं ना कहीं टेम्परिंग की गई थी तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था और सीबीआई ने 65 इविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। तेज 28 वर्ष पर न्याय मिली ऐतिहासिक फैसला सामना आसी भाव में समस्त अभियुक्त दोष मुक्त होती निर्दोष से खलास होती। गुरुत्वपूर्ण राय निश्चित भाव आसी बाबरी मस्जिद ढांचा भंगा मामलें राय आसी अधिक वर्तमान आम सह जोड़ी रवि दास अच्छा लगातार भाव में सुत दास ये निश्चित भाव में प्रमाण अभाव समस्त दोष मुक्त कर जो कथ आपते कि निश्चित भाव ये गुरुत्वपूर्ण आम कहीपर कि ये गोटे जो ऐतिहासिक आसी फैसला 28 वर्ष पर कौटना कौटि गोटे न्याय मिली बोली नहीं न्याय जो मैं न्यायर आवश्यक था से मिललानी बोली कहे यहाँ न्याय जी आवश्यक था तेल संख्यालघु मानी जार भांगी जाता जहाँ घर भांगी जार मस्जिद भांगी जाता बोल जी कहते से मैंने कहे न्याय आसने आमपाई आम तो किसी पाइलुनु से भावे कि कथा जे आमर देश में अदालत राय हूँ शेष एवं अदालत को आम देश में समस्त सम्मान अच्छे अदालत कौन कहला जे एम कर ये कौन सी साक्ष्य आसलानी साक्ष्य प्रमाण अभाव अनेक घटने लोक गोटे हत्याकांड साक्ष्य प्रमाण न मिले अभियुक्त मैंने खलास हूँ ए समय जना अच्छी जी देर इज नो एविडेन्स साक्ष्य साक्षा ना जज किसी भूल देवेनि जज जदि साक्ष्य प्रमाण थी खलास करेंगे तथापि यही मामले जो मैंने असंतुष्ट से हाइकोर्ट को जापर कि हाइकोर्ट को गले ये आहरी विलंबित हे और किसी मानने लाभ मिल एक मत भावनी से हाइकोर्ट में 10 वर्ष जीव तेणु से दृष्टि ए राय जहाँ होना कहीं किंतु यहाँ किसी लोक मन में निश्चित भाव दुख दब जो मैंने भावुं आमर संस्था मस्जिद भांगि दिगल बोली जो मैंने मस्जिद सहित आइडेंटिफाइड थे कि आउ गोटे कथा न हो बर्तमान उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को अनुरोध करी प्रधानमंत्री जी आउ पर जमी बर्तमान काशी कथा उठा
ଯେମିତି ମଥୁରା କଥା ଉଠିଛି, ମଥୁରା ପାଇଁ ମାମଲା ହେଲାଣି, ୟା ଆଉ ନ କରାଯାଉ ଏପରି ମସଜିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଏକରେ ଏହି ଘଟଣା ଯେମିତି ନ ହେବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହିବ, ଦେଶରେ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପ୍ତ ଦାସ, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଉପନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ କି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ତ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବାବୁବଞ୍ଜ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସେ କେହି ଦଣ୍ଡିତ ନହେଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯଦିଓ କହିଥିଲା ଏଠି ଅପରାଧ ମାମଲା ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟାଏ ଦମଦାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆସିବ। ଓକେ, ଏବଂ ସେଇଟା କିଛି ପରିମାଣରେ ପୋଲାରାଇଜିଂ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆର ଅଛି, କେତେ ଦୂର ଆସିବ, କିପରି ହେବ, କ'ଣ ହେବ କହିହେବନି। ଯଦି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଖଲାସ ହେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା କଥା ତାଠୁ କମ୍ ପଡ଼ିବ, ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଫଇସଲା ଆସିଛି, ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଦେଖି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆସିଛି ଚିତ୍ର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁପ୍ତ ଦାସ ଆପଣ। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में यह स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वही रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता। और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी, और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं, या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी, और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावना है, उनसे इंकार नहीं किया जा सकता। एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी एके सरन का स्टेटमेंट, वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी। कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना घटित कर सकता है, तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठी भर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए उनका किसी प्रकार से संगठन विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था, इस प्रकार का कोई संबंध। ये विषय रथ यात्रा का नहीं था, ये आरोप था विवादित ढांचे को गिराने के लिए उकसाने का, आरोप के दृष्टि से आरोप साबित नहीं हुए, पूरा आरोप मुक्त कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। सर, सीबीआई जो है जांच एजेंसी है भारत की, क्या उनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है साक्ष्य जो रख रहे हैं? सीबीआई साक्ष्य नहीं रखती है, सीबीआई साक्षी रखती है, साक्ष्य साक्षी रख रहा है। सीबीआई की जिम्मेदारी सिर्फ साक्षी लाने की है, साक्ष्य लाना साक्षी का काम है न्यायालय में, साक्षी जो कहेगा वो स्वतंत्र।